ओके आर्मी वेलकम बैक टू पोकेमॉन AshGray वर्जन। तो यार भाई लोग फाइनली खेल रहे हो AshGray फिर से, क्योंकि यार पिछली बार पता है बहुत बड़ा लोचा हो गया था मेरे साथ। तो इस बार हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं AshGray को स्टार्ट से एंड, जैसे हम कर रहे हैं लाइट प्लेटिनियम को। तो यार लेट्स सी, प्रोफेसर वो आ गए हमारे और ये हमें सिखा रहे कि पोकेमॉन ऐसा होता है वैसा होता है, पोकेमॉन में जाता है बाहर आता है। तो हमारा नेम है भूषण। ओके वाओ, मैंने एक्चुअली क्लिक किया था बट क्या बोले, पब्लिक जो एस एच एच ए एन। ओके अबे एन 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 ओके राइट, सो योर नेम इज़ भूषण। यस यस माय नेम इज़ भूषण, दिस इज़ माय ग्रैंडसन, ही इज़ माय राइवल सिंस यू आर बोथ वर बेबीज। व्हाट इज नेम, गैरी। यप यस हिज नेम इज़ गैरी। हम पूरा स्टोरी लाइन हमसे जाने वाले हैं, पोकेमॉन्स में भी स्टोरी लाइन के हिसाब से ही पकड़ेंगे। ओके गाइस, स्टोरी लाइनअप में पोकेमॉन के हिसाब से ही पकड़ेंगे हमें जो भी पोकेमॉन्स पकड़ने हैं। सो हम हो गए छोटे, सो लेट्स, मम्मी आ गई, 11 बज गए बच्चा 11 बज गए, पजामास पहन और सो जा चुपचाप, नखरे मत करियो। और ये हमने ट्रेडिशनल ऐश के ग्रीन पजामास एंड मेंटल सी बाबासॉर स्क्वार्टर चमांडर। ओके तो सबसे पहले भागा दौड़ा दौड़ा जाएंगे हम प्रोफेसर की लैब में। भागो, मेरे को पहला पोकेमॉन। अरे ये कौन है, मुंह पे दरवाजा मारता है यार। हे वॉच देयर यू आर गोइंग, ओ यू मस्ट बी भूषण गैरी, बेटर लेट देन नेवर आई गेस। वेल भूषण यू स्नूज यू लूज एंड यू आर वे बिहाइंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट। आई हैव गॉट पोकेमॉन एंड यू डोंट एंड आई गॉट द बेस्ट वन। ओके स्नूज लूज बोलता है ना यार, देखते हैं आगे जाके देखते हैं यार। प्रोफेसर पोकेमॉन दो। ओके चेक स्क्वाटर नहीं है, क्या होता अगर गलती से होता तो स्क्वाटर बाबासॉर नहीं है एंड चमांडर वो भी नहीं है। ठीक है प्रोफेसर, इज्जत में बता रहा हूँ, पिकाचू निकाल बाहर, चल जेब में से पिकाचू निकाल, चल जल्दी पिकाचू। हाँ यस देर यू गो, यस मेरे को पिकाचू चाहिए। यस पिकाचू को हम निकनेम तो नहीं देने वाले, पिकाचू को निकनेम नहीं देना है, इलेक्ट्रीफाई। ओके हाँ चल, पोकेडेक्स दे, पोकेबॉल निकाल, बॉल निकाल, बॉल मतलब पोकेबॉल, बॉल पोकेबॉल निकाल। हाँ ओके श्योर हार्डफुल, ओके वो मैं देख लूँगा, मैं देख लेगा वो बैग में पोकेबॉल लिया कि नहीं। हाँ 5 पोकेबॉल लिया इसने। तो यार ये है उसकी लैब, नहीं देखना लैब, चलो। अरे मम्मी कहाँ खड़ी है आप यहाँ पे? तो यार मम्मी हमें दी, मम्मी ने शूज़ दिए, शूज़ भागो फ्लेम चकर। ओके पिया जो बाहर है मैं तेरी अंदर जा। हाँ चेंज द पजामास, ओ देखा मिल्खा सिंह से भी फास्ट है। हटो हटो हटो, मेरे को भागने आए, भागने आए, हटो बाथरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, बाथरूम। ए लड़की बाथरूम बता, बाथरूम बता, अबे इधर भाई, इसकी तो लॉल करती है। क्या बोली, यू गॉट अ पोकेमॉन, आई डिडंट थिंक प्रोफेसर। चल 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 जल्दी जल्दी बाथरूम जल्दी बाथरूम। ओके आगे बढ़ते हैं। ओ ये पिजॉट पिजी, ये रियली यार पिजॉट जैसे दिखता है यार। ओके फ्लू अवे, चल उतर नीचे। स्पीरो थंडर शॉक पिकाचू। ओके देयर वी गो, ओ एक अटैक में नहीं मरा, देयर वी गो स्पीयर फ्यूजन। ओके ओ बाकी के स्पीयर आ भी गए। अरे यार वाइल्ड पोकेमॉन जान क्यों, मतलब ओके बच गया तुम्हारा भाई पोकेमॉन स्पीयर स्पॉन होने से पहले। यहाँ से कहाँ जाता है भाई रास्ता,
नहीं रुक जा, यहाँ से घूम के देख। ओके ट्राइंग फिशिंग, इट हर्ट्स पिकाचु सेंटर। ओके ए साइकिल चुरा लिया हमने इससे, तो इसकी साइकिल, तेरी साइकिल ले ली मैंने। ओके सो मैं रियली स्लो रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। ट्रेड स्पीयर, डू यू नो हु एम आई भूषण। ओके फाउंड, डिजाइन टू बी वर्ल्ड्स नंबर वन पोकेमॉन मास्टर, कैन डिफीट माय लाइक्स, गोइंग टू कैप्चर द डीप हियर, यू विल ऑल हियर, कम ऑन गेट मी। पिकाचु अपीयर्ड फ्रॉम इट्स पोकेबॉल, इट्स इलेक्ट्रिक पावर वॉज चार्ज एंड स्ट्रेन ब्रॉट लाइटनिंग बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म ऑन अटैकिंग स्पीयरो। And here we go, ho oh ho oh ho oh, oh, oh. And yep, there we go. Okay, तो सब बारिश से चल दी तो ऐश भागा भागा। ओह लिटरली ऐसा लगता है वो उड़ रहा है। ओके आई एम सॉरी आई हैव टू लुक आउट द थीव्स एंड शिप पोकेमॉन सेंटर। ओके तो ये दिखा रही है पोकेमॉन सेंटर, गुड लक। ओके ओके मिस्ट्री आ गई, पहले पोकेमॉन हील कर लेते हैं। यस एक ही पोकेमॉन हमारे पास, हील कर लो यार। एंड यप टीम रॉकेट। ओके ईविल्स, या बॉय आ जाओ। अरे नर्स जॉय हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। नर्स जॉय थंडर शॉक, ओके इफेक्टिव, हाँ रैप इस्तेमाल किया। ए वो पैरालाइज हो गया, गुड। ओके लेट्स सी अगर स्टोरी लाइनअप के साथ जाते तो हम पहला मैच हार जाते या फिर हम जीत जाते। लेवल 6 का हो गया, अभी कॉफिंग आएगा। थंडर शॉक कॉफिंग, अरे थंडर शॉक प्लीज कॉफिंग, अरे पॉइजन नहीं हुआ। चलो अच्छा एंड देयर वी गो, वी वन आवर फर्स्ट टीम रॉकेट बैटल बट हम पॉइजन हो गए यार, गिर लेवल 7। ओके ओके 300 रुपया, ओ नो यू डिडंट प्राइस, ओके गिव अप, नो मैटर नाउ स्टील द पोकेमॉन सेंटर्स पोकेमॉन। पिकाचू आ गया बाहर, टीम रॉकेट पिकाचू यूज थंडर शॉक, व्हाट नो टीम रॉकेट इज ब्लास्टिंग ऑफ, गुड वेलकम टू पोकेमॉन। हाँ हील 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 हील, इस चैंसी को लेकर नहीं भाग सकते तो लेट्स सी, अपन हैं अभी यहाँ पे। This is Viridian City. Victory Road. अभी हमें जाना है Viridian Forest से Pewdus City में. So let's go guys. So निकलने से पहले ये घरों भी घर भी भी चेक कर लेते हैं हम. क्या पता घर में कोई कुछ बोल रहे हैं. What did you think you will flower bed about my? Okay तो ये उसकी तो ओके तो ये बंद हो रहता है तो और कुछ है नहीं इस सिटी में। ये जिम भी तो बंद होगा अभी। गार्ड हे किड द बॉस इज टू बिजी टू एक्सेप्ट एनी जिम मेटल राइट नाउ। ओके तो यहाँ से हम जा सकते हैं विक्ट्री रोड बट हमें नहीं जाना है, हमें जाना Viridian फॉरेस्ट में। सो लेट्स गो अहेड रूट नंबर 2, लेट्स गो इन द Viridian फॉरेस्ट। और हाँ गाइस हमें सिर्फ यहाँ पे एक बटरफ्री बोल रहा हूँ यार कैटरपी पकड़ना है। हाँ हमारा कैटरपी आ चुका है लेवल 5 का। कैटरपी अपीयर्ड, गो पिकाचू। ओके पिकाचू एक थंडर शॉक देना कैटरपी को, ओके जिससे कैटरपी मारा नहीं। कैटरपी ने यूज़ किया स्ट्रिंग शॉट बट उसका कोई फ़ायदा नहीं कैटरपी, मैं यूज़ करूँगा पोकेबॉल। टन टन टन, हमने कैटरपी को पकड़ लिया गाइस, निकनेम नहीं, हमें नहीं देना है किसी को निकनेम। ओके सो आई गेस हमें ऐश, हाँ ऐश बीटल भी पकड़ने वाला था बट उससे वो रह गया। सुनाओ हमें जाना है आई गेस
ओके ये पोके बॉल है और पोशन ओके पोशन ओके मतलब फिर से एक वीडियो डाला है ओके 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 सो इस बार हमें इस साइड जाना है उस साइड जाके फालतू गिर के मैं क्यों गया उस साइड मैं खुद को नहीं पता अभी वो बंदे से मिलना है ना हमें ये गेम में एक चीज़ अच्छा है ट्रेनर्स नाम की चीज़ नहीं है इसमें पोकी बॉल मिला गाइस मतलब ऐसे जो आज को फेस किया उनसे ही फेस करना है हमें अरे ओके पिजॉट 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 हम पकड़ेंगे पिजॉट ओके यूज थंडर शॉक ओके एंड बैग में पोके बॉल यूज करेंगे एंड वी गॉट इट हमारे पास पिजॉट आ गया गाइस निक नेम नहीं सो हम लोग एज पर स्टोरी लाइन अप ही ओके यहाँ पे ट्रेनर मैं अपनी बातें पीछे ले लेता हूँ पर क्या लेवल इनका विडल अरे पर एच पी नहीं होगा यार विडल में 99 एक्सपी ओके सो ये लड़की बैटल नहीं करेगी बिग फॉरेस्ट थैंक यू ओ हा सो वी मेट अगेन वी आर हियर टू गेट योर पिकाचू एक्साइटेड रेयर पास ओके फाइट जेसी एंड जेम्स ऑफ एकिंस एंड गेट पी ओके सो ये क्या हो रहा है एकिंस को टैकल एकिंस पे लगेगा क्या कैटरपी की फाट लगा दी भाई लोग कैटरपी फेंटेड पिजॉट बाहर आ जा पिजॉट मारेगा सबको देखना अभी गस्ट ओके अरे रे 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 टेंशन नहीं गाइस उतना टेंशन नहीं बस हमें इन्हें हराना है थंडर शॉक एंड गस्ट अटैक सो गस्ट अटैक से तो ये मर गया और थंडर शॉक से ये ओके हम जीत जाएंगे कोई टेंशन नहीं गाइस कोई टेंशन नहीं हम जीत जाएंगे और पीका चूँकि हेल्थ कम है मेरे को पता है बट इन अटैक से जीत जाएंगे यप हम जीत गए गाइस हमारा सेकेंड बैटल भी जीत गए हम लेवल 8 का हो गया पीका चू पिजॉट भी लेवल 8 का हो गया यार चलो टीम रॉकेट थ्रॉट अगेन ओके 970 रुपये लिए ब्लास्ट ऑफ ओके सो हम इधर आएंगे बच्ची से हील करवाएंगे पोकेमॉन एंड देन हम आगे बढ़ेंगे देखो गाइस अगर समझो यार बीच में से ऐसे गोल्डन कैटर भी इसमें एक्सपीरियंस ओके पैलेट ओके ये समुराई आई हैव फाउंड यू एट लास्ट टाइम समुराई पोकेमॉन कैच ओके समुराई तो भाई लोग समुराई मिल गया हमें पिंसर समुराई के पास पिंसर है जी हाँ ओके पिंसर बहुत स्ट्रांग है इसका सेंड आउट गस्ट अटैक इसके पिंसर को टेस्ट नेस कर दिया यस इसके पिंसर को टेस्ट नेस कर दिया हम लोग ने यप पिजॉट इज एपिक ड्यूड पिजॉट लेवल 10 का हो गया 11 का भी हो गया वाह मेटापॉड नो इसके पास ये दो ही पोकेमॉन रहते हैं ओके मेटापॉड भी गया अभी बोलिया यस लेट्स सी बसिंग अब ब्रीडर स्वैम्प अप्रोचेस क्विक गेट टू माय कैबिन आई होप यू लर्न योर लेसन नॉइज ओके लेसन यू आर लेटिंग दैट वीडल एस्केप ऑलमोस्ट कॉस्ट अस आवर लाइफ द अदर ट्रेनर्स फ्रॉम पैराट्रॉन ओके यार चलना सिका मत अरे रात हो गई तो ये क्या है रिसीव्ड एंटीडोट रेस्ट योर पोकेमॉन ओके चलो रेस्ट कर ली सामुराई को तो हरा दिया हमने तो अब हम निकलेंगे इन महाशय के साथ बैटल करना पड़ेगा हमें तो इनके साथ एक बैटल करेंगे और फिर आगे निकलेंगे हम रेडिएंट फॉरेस्ट से ओके तो 3 पोकेमॉन है तो सबसे पहले हम ओके
के कैटरपी थंडरशॉक मेरे कैटरपी को भी यार ये रहना चाहिए, वो भी अभी इवॉल्व होना चाहिए था मेटापॉड में। ओके हाँ यस मैं चेंज करेगा, नहीं कैटरपी में शिफ्ट करेगा। ओके और फिर से पोकेमॉन स्विच करके इस पर भी जॉट हो जाएगा। सो दैट मीन्स मैं जब गश्त इस्तेमाल करूँगा तब मुझे पावर मिले, पावर नहीं मिलेगी मतलब कैटरपी 54 एक्सपी। ओके लेट्स गो एंड हियर वी गो। इनको डॉच करते हुए हम पहुंच गए रूट नंबर 2 पे और ये वहाँ से है ब्रॉक के पिताजी स्टोन फ्लिंट सिया। कुछ नहीं खरीदना वो क्या यार वो चाहिए बट कट मिलना चाहिए पहले। प्यूरिस सिटी गाइस तो सबसे पहले पोकेमॉन को हील कर लेते हैं पोकेमॉन को हम लोग। नहीं फिर से। ओके सो सबसे पहले हम घर वर चेक कर लेंगे कौन क्या बात कर रहे हैं। समटाइम्स कैन बी गिवन टू सम आइटम है पोकेमॉन टू हेल्प मेक अ पोकेमॉन स्ट्रॉन्गर पोकेमॉन क्लेवर एंड गिव इट अ ट्राई। ओके प्योरेस्ट स्टोन ग्री। ओके अच्छा तो यहाँ पे तो हमें बाद में आना है हमारे पिकाचू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके यहाँ पे जिम है मूनस्टोन। ओके ये किसका घर है यहाँ पे कौन रहता है। वाह ये बंदा कुछ तो देगा। हेलो द यंगन आई एम टॉन टीम आई रेज माई पोकेमॉन टू बी स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनरी एज दे कैन यू लाइक आई कैन हेल्प टॉटिन यू अप योर पोकेमॉन टू फॉर द येलो शार्ड। यस सॉरी यंगन यू डोंट हैव गुड पे मी। अच्छा तो इसको येलो शार्ड देने पर ये कुछ तो करेगा बट हमें इसका कुछ तो नहीं चाहिए तो सबसे पहले ये वाला घर देख लेते हैं फिर बच्चे मन के सच्चे। अरे ये ब्रॉक का घर है ये ब्रॉक। तो ये पोकेमार्ट है ओके गाइस तो आज का एशग्रे का एपिसोड मैं यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जिम को चैलेंज करने जाने वाले और हमें स्टोरी लाइनअप से तो पता है क्या होगा तो फिर लेट्स सी फिर भी क्या होता है देखते हैं ब्रॉक हम ब्रॉक को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते। आई गेस पहले ट्राई में तो नहीं हरा पाएंगे पर दूसरे ट्राई में हरा लेंगे हम उसको क्योंकि वो हमें कुछ सिखाएगा उसका पप्पा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस होप सो तुम लोग को एशग्रे का सीरीज भी पसंद आ रहा है फिर से तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और मेन बात कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा और मुझे हिंट्स बताना आगे क्या है क्योंकि मैंने सेरुलियन के आगे इसको नहीं खेला क्योंकि पिछले बार गेम करप्ट हो गया था बट इस बार कुछ नहीं होगा ये एंश्योरिटी मैं दे रहा हूँ। तो इस बार हम पूरा गेम को कंप्लीट करेंगे जैसे कि हम कर रहे हैं लाइट प्लेटिनम का। तो होप सो तुम लोग आज का वीडियो पसंद आएगा तब तक के लिए मिलता है तुम लोग आज के वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू सायोनारा मिलते हैं अगले वीडियो में।